सरकार ने वाहनों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन समेत दूसरे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 जून तक बढ़ाई, 1 फरवरी के बाद से मिलेगा फायदा। सरकार ने कॉरपोरेट से पीएम केयर्स फंड में योगदान करने की अपील की, फंड में दी गई रकम पर मिलेगा टैक्स छूट का फायदा। कोरोना से होने वाले आर्थिक संकट से 1 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पूर्वी एशिया और पैसिफिक में सबसे ज्यादा संकट। भूटानी इंफ्रा ने अपनी साइट्स पर काम करने वाले 400 मजदूरों के रहने खाने का किया इंतजाम, मजदूरों को रोजाना 3 वक्त मिलेगा खाना। एसीई ग्रुप ने भी कंस्ट्रक्शन में लगे मजदूरों के खाने पीने की जिम्मेदारी उठाई, निर्माण में लगे मजदूरों को दिया गया राशन का सामान। दिल्ली के यूनिटी ग्रुप ने दिल्ली एनसीआर के अपने सभी मॉल्स के लीज रेंटल्स किए माफ, यूनिटी वन मॉल्स और वेगास मॉल में नहीं लिया जाएगा 1 महीने का किराया। जरूरतमंदों के लिए खाना बनाने वाली संस्थाओं को हेल्थ केयर कंपनियों की मदद, खाना बनाने वालों को अनुदिता, हेल्थ केयर ने दिए 1000 ग्लव्स। आईटीसी ने हैंड सैनिटाइजर की क्षमता में हिमाचल के नए प्लांट से किया 1.25 लाख लीटर का इजाफा, सेवलॉन हैंड सैनिटाइजर बनाती है कंपनी। अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वालों ने स्टे की अवधि बढ़ाने की मांग की, कहा नौकरी जाने की वजह से 60 दिन की जगह 180 दिन रुकने की मिली छूट। चीन में मार्च में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में आई तेजी, फरवरी के 35.7 के मुकाबले मार्च में 52 हुआ PMI।